तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटिक प्रोजेक्ट में आखिर चल क्या रहा है, क्या क्या नई चीजें अपग्रेड हो रही हैं, क्या मैटिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर रिस्क लेते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में कितना ज्यादा रिटर्न देके जा सकता है, और मैटिक प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या रहने वाला है, जानेंगे आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर विजिट करेंगे क्वाइन मार्केट कैप वेबसाइट, और जब यहां पर विजिट करेंगे तो पॉलीगॉन प्रोजेक्ट आता है जो कि रैंक जो है इस प्रोजेक्ट की वो 10th नंबर पर बिलोंग कर रहा है। इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि पूरी दुनिया के जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी वेल्स हैं, वो सभी लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पॉलीगॉन मैटिक का प्रोजेक्ट जो है वो 0.89 डॉलर के आसपास करंट प्राइस चल रहा है। उसके बाद में मेन चीज की बात करेंगे, यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि पहले जब ये प्रोजेक्ट आया था तो इस प्रोजेक्ट का नाम था मैटिक, और ये प्रोजेक्ट नॉर्मली बहुत ही सस्ता होता था। हमने भी बहुत बार इसमें ट्रेड किया है, एंट्री किया है, और बहुत बार वीडियो भी बनाया हुआ है। 50 सतोसी, 55 सतोसी, 100 सतोसी के आसपास होता था। कहने का मतलब 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए में ये कॉइन मिलता था। लेकिन जब से मैटिक प्रोजेक्ट का चैन लिंक आ गया, यहाँ पे जो भी चैन बन गई है पॉलीगॉन नाम से, उसके बाद में इस प्रोजेक्ट में बहुत ही खतरनाक रैली आई है और पूरे इन्वेस्टर्स को मोर देन 100x का रिटर्न दिया है। इवन अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को भी मोर देन 100x का रिटर्न दिया है। अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेन चीज की बात कर लेते हैं कि टोटल सप्लाई इसकी जो है मैटिक प्रोजेक्ट की वो 10 बिलियन की है, जो कि सप्लाई कहीं ना कहीं ज्यादा है, लेकिन अगर हम मीम क्रिप्टो करेंसीज के कंपेरिजन में करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही कम है। उसके बाद में यहां पर सबसे चीज मेन होती है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 बिलियन की टोटल सप्लाई है मैटिक क्वाइन की, लेकिन यहां पर क्या होने वाला है कि अभी तक 87% जो मैटिक टोकन्स हैं, क्वाइन हैं, वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। अब आप लोगों को ये चीज बहुत ही जानना जरूरी होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कि आखिर सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है, जो मैटिक प्रोजेक्ट की मार्केट में यहाँ पे सप्लाई हो रही है, वो कितने क्वाइंस की हो रही है। तो 87 की हो चुकी है, इसका मतलब अभी केवल और केवल 13% यहाँ पर बचे हुए हैं, जो कि बहुत ही कम होते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट में क्या होता है, 10% 20% ही सप्लाई होती है, 80% होल्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइस में मैनिपुलेशन बहुत ही ज्यादा किया जाता है कंपनी के द्वारा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि 87% मार्केट में आ चुके हैं, तो इसका मतलब इसमें प्राइस में मैनिपुलेशन बहुत ही ज्यादा नहीं होने वाला है। उसके बाद में आप यहां पे बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो रीड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहां पर आप सभी लोगों को बहुत ही डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो और जो मेन चीज है, अब हम विजिट करते हैं इसकी वेबसाइट पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो Q3 2022 में हुई है मैटिक के साथ में, वो चीजें जानना जरूरी है। ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू इथेरियम, उसके बाद में बात करेंगे यहां पर। आप लोग खुद सोचिए कि इंस्टाग्राम कितना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो यहां पे क्या करने वाला है। इंस्टाग्राम ने प्रॉपरली अनाउंसमेंट किया है कि इंस्टाग्राम लॉन्चेज NFTs ऑन पॉलीगॉन। सिंपल सा इसका मतलब यह हुआ कि इंस्टाग्राम क्या करने वाला है, पॉलीगॉन की चैन को यूज करके NFTs बनाने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में स्ट्राइप लॉन्चेस ग्लोबल पेआउट्स विद क्रिप्टो यूजिंग पॉलीगॉन। स्ट्राइप भी एक पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस बहुत बड़ी कंपनी है जो कि पॉलीगॉन चैन को यूज करने वाली है। उसके बाद में बात करेंगे एडिडास ओरिजिनल्स एंड प्राडा लॉन्च NFT कलेक्शन ऑन पॉलीगॉन। एडिडास कंपनी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस कंपनी ने भी क्या किया है,
मैटिक प्रोजेक्ट का जो चेन है पॉलीगॉन उसको यूज किया है एनएफटीज को लॉन्च करने के लिए। उसके बाद में सबसे मेन चीज क्या होती है आप लोगों के लिए जानना कि यहां पर ये कुछ चीजें ऐसी दी हुई हैं जो बहुत सारे लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज दी गई है वो ये है कि 4 बिलियन टोटल मैटिक स्टेक किए हुए हैं, 1,45,000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना दिए गए हैं, उसके बाद में 140 मिलियन डॉलर के एवरेज डेली गैस जो होती है वो सेव की जाती है, ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ही कम लगते हैं पॉलीगॉन की चैन पर, उसके बाद में 100 एक्टिव वैलिडेटर्स, वैलिडेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। तो यहां पर 100 एक्टिव वैलिडेटर्स हैं, पूरे 100 वैलिडेटर हैं जो मैटिक प्रोजेक्ट जो चैन है उसका यूज करते हैं, उसके बाद में 135 मिलियन से ज्यादा यूनिक एड्रेसेस हैं। आप लोग खुद सोचिए कि 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं, सीधे 135 मिलियन यूनिक एड्रेस बन चुके हैं जहां पर यहां पे क्या हो रहा है मैटिक क्रिप्टो करेंसी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और उसके बाद में होल्डिंग्स हो रही हैं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि 13,000 से ज्यादा यहां पे क्या हो रहे हैं डेलीगेटर्स ऑन POS, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है और मैटिक का जो ब्लॉकचेन है वो चीजें यूज हो रही हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और उसके बाद में आप लोगों को एक चीज और जानना जरूरी है कि 1.8 बिलियन टोटल ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। ट्रांजैक्शन का रोल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, खासकर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, तो ट्रांजैक्शन आप खुद सोचिए कि कितना ज्यादा हो चुके हैं। ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी जिसकी वजह से मैंने बताया। और उसके बाद में बिल्ट बाय डेवलपर्स फॉर डेवलपर्स, यहां पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जानना जरूरी है कि ओवर यहां पे 37,000 प्लस डेप्स हैव यूज्ड पॉलीगॉन टू स्केल देयर परफॉर्मेंस। सिंपल सा इसका मतलब यह होता है कि 37,000 डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का निर्माण हो चुका है मैटिक प्रोजेक्ट का जो चेन है पॉलीगॉन उसका यूज किया जा चुका है। तो यहां पे कितनी अच्छी बात है मैटिक प्रोजेक्ट के लिए। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहां पर वेब 3.0 के लिए भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये काम कर रहा है। और अगर हम स्केलिंग सॉल्यूशंस की बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए स्केलिंग सॉल्यूशन, तो यहां पे टोटल 8 नंबर्स हैं जो यहां पे हो रहे स्केलिंग सॉल्यूशन में। सबसे पहला पॉलीगॉन POS प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम का होता है, आप लोगों को पता है। पॉलीगॉन जेड के EVM मशीन यहां पे क्या कर रही है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, ये पब्लिक टेस्ट नेट भी किया जा चुका है। उसके बाद में पॉलीगॉन एवेल, पॉलीगॉन एज, उसके बाद में पॉलीगॉन नाइटफॉल, पॉलीगॉन मिडन, पॉलीगॉन जीरो, पॉलीगॉन सुपरनेट्स, ये ऐसी चीजें हैं जो स्केलिंग सॉल्यूशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती हैं। और उसके साथ में क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पर लेकर के जाते हैं। और पॉलीगॉन मेक्स इथेरियम एक्सेसिबल फॉर ऑल, इथेरियम कंपैटिबिलिटी पे यहां पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से वर्क होता है। उसके बाद में स्केलेबिलिटी पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम पे मैटिक या पॉलीगॉन जो चैन है वो बहुत ही ज्यादा काम करती है। उसके बाद में जितने भी डेवलपर्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम होता है। तो आप लोग खुद सोचिए कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। और उसके बाद में डेवलपर रिसोर्सेस है, ज्वाइन द कम्युनिटी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो यहां पर अवेलेबल है। ट्विटर, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, गिटहब, रेडिट, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं कुछ और जानकारी लेने के लिए यहां पर टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम की जो पॉलीगॉन की ऑफिशियल कम्युनिटी है वहां पर 68,000 मेंबर्स ज्वाइन है, जो अनाउंसमेंट का चैनल है।
करेंगे। पॉलीगॉन मैटिक का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर यहाँ पे 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि अपने आप में किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। यह इंडिकेट करता है कि इसकी कम्युनिटी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल करके आ रही है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से बहुत ही जबरदस्त तरीके से न्यूज निकल करके आई है। इनके जो फाउंडर हैं संदीप जी, वो बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, इनोवेटिव आइडियाज लाते रहते हैं कि आखिर पॉलीगॉन चेन को यूज कैसे किया जाए। तो आप लोग खुद सोचिए, ये न्यूज भी निकल करके आई थी कि फिरोजाबाद पुलिस टू यूज पॉलीगॉन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू रजिस्टर कंप्लेंट्स। जो भी एफआईआर होती हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे मिसप्रिंट होते जाते हैं, बहुत सारे मिसयूज भी होने लगते हैं, कुछ फॉल्ट्स हो जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां पर क्या हुआ था कि फिरोजाबाद की जो पुलिस है वहां पर क्या किया गया कि पॉलीगॉन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइजेशन भी किया गया था। तो आप सोचिए, जो इनके फाउंडर है संदीप जी, वो पूरी तरीके से यहां पर काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन कर रहे हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया जा सके। तो ये जनरल सा कुछ मैटिक प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताया। और अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के, मैटिक क्वाइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। मैंने मैटिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी बनाए हुए हैं और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो $5, $10, $50, $100 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर की बात कर लें तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, जिस तरीके से डेवलपर टीम इनकी काम कर रही है, रेगुलर बेसिस पर न्यूज और अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं, उसके बिहाफ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ में इस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैटिक प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।